साथियों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस डीएसपी विजन में। साथियों पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक में प्रकाश का अपवर्तन, सघन व विरल माध्यम और अपवर्तन के नियमों को समझा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक और उससे संबंधित सूत्र उसके बारे में समझेंगे। तो साथियों पिछले चैप्टर में या कहें पिछले टॉपिक में, चैप्टर ना कहकर टॉपिक इस्तेमाल करें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा वो था कि माध्यम जो है वो दो प्रकार के माध्यम होते हैं। पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम में हमने जाना था कि जिसके अंदर माध्यम के कण जो अणु है जो दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश उसमें से गुजरता है तो उनको ज्यादा अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए विरल माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है। सघन माध्यम में हमने जाना कि सघन माध्यम के अंदर जो पदार्थ, जो माध्यम के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो पास पास में होते हैं। इस कारण से जब सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसे माध्यम के अणुओं से टकराते हुए, अवरोध झेलते हुए जब आगे बढ़ना पड़ता है तो प्रकाश की चाल में कमी आ जाती है। तो सघन माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल कम होती है। लेकिन साथियों इसको समझने से पहले आप जो मन में धारणा बना रहे हैं घनत्व, इसे हम कहते हैं घनत्व। द्रव्यमान में लोगों ने पढ़ा है कि जहां पर पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं उनका घनत्व कम होता है और जिनमें माध्यम के अणु कण पास पास में होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है। तो साथियों ये जो घनत्व है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान घनत्व, और यहां जो हम स्टडी करते हैं वो होता है प्रकाशीय घनत्व। जरूरी नहीं है कि किसी माध्यम का अगर द्रव्यमान घनत्व ज्यादा है तो उसका प्रकाशीय घनत्व भी ज्यादा हो, या किसी माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है तो उसका प्रकाशीय घनत्व भी कम हो, ये जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। आप लोगों ने अगर द्रव्यमान घनत्व की बात करें, आप लोगों ने एक प्रयोग अपने घरों में देखा है कि अगर मिट्टी के तेल को अगर आप पानी में मिलाएं, यानी केरोसिन को अगर आप पानी में मिलाते हैं तो केरोसिन जो होता है उसमें मिक्स नहीं होता, जबकि वो पानी के सतह पर आकर तैरने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि केरोसिन का जो द्रव्यमान घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए तेल ऊपर तैरता है। लेकिन बच्चों केरोसिन का जो प्रकाशीय घनत्व होता है वो पानी से ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान घनत्व और प्रकाशीय घनत्व दो अलग अलग चीजें हैं। और ये जो प्रकाशीय घनत्व की हम बात करते हैं, यानी जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है उसे सघन माध्यम कहा जाता है। तो उसी घनत्व को या वह प्रकाशीय घनत्व को, उसी ऑप्टिकल डेंसिटी को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। आइए साथियों समझते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। नंबर एक सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अगर कोई दो माध्यम है, माध्यम ए माध्यम दो, ये दो माध्यम परस्पर संपर्क में है और इनके बीच में ये तो तल है, इसे आप जानते हैं ये पृथककारी तल है जो कि माध्यम एक और माध्यम दो को अलग करता है। अगर कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम जानते हैं या तो यह अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। ये डिपेंड करता है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आ रही है या विरल से सघन माध्यम में आ रही है। साथियों जब कभी कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये आप जानते हैं आपतित किरण है,
अभिलंब है, इसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आप अपवर्तन के नियम में, स्नेल के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण कीजिए बटे अपवर्तन कोण कीजिए, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब है, इसका न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला सूत्र है ये। आपको यहाँ पर आपतन कोण का मान पता हो और अपवर्तन कोण का मान पता हो। जैसे चित्र में आपको मालूम है, अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अगर ये दोनों कोण आपको मालूम है तो आप इनके मान लगा करके आप पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, हमने पढ़ा है कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। अपवर्तन का मुख्य कारण भी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालों का अलग अलग होना होता है। तो चूंकि हम अगर हम मानते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बदलकर V2 हो जाती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी V1/V2 होता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब अगर आपको दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप सूत्र लगाएंगे 1/2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर V1/V2। आप ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियोस में भी हम लोग से चर्चा की थी कि 1/2 का मतलब होता है प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी अपवर्तित प्रकाश किरण जो है वो दूसरे माध्यम है और दूसरे माध्यम का ही अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। यानी पहले माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष। तो ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले वाले माध्यम के सापेक्ष, मतलब है प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है। और अगर आपको दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का मान मालूम है तो आप 1/2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल सूत्र लगा सकते हैं और आप सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, इसका कोई यूनिट नहीं होती, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है वो चालें हैं, ऊपर अंश में भी चाल है और हर में भी चाल है। तो चूंकि अगर इसका मात्र मीटर प्रति सेकंड है, इसका मात्र भी मीटर प्रति सेकंड है, तो आपस में कट जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए इसकी बात हम करेंगे बाद में। जो दूसरा अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक के बाद में आता है वो आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें और इसमें बस ये समानता है कि अगर पहली वाली जो माध्यम है वो निर्वात या वायु है, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी XYZ, अगर प्रकाश किरण निर्वात या वायु से किसी दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी n से प्रदर्शित करते हैं और n बराबर सूत्र होता है n/C/V। यह समझना जरूरी होगा कि c है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटे में है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश अपवर्तित होकर पहुंची है। यानी कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो साथियों, इसमें अगर आप देखेंगे अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या है, अगर आप इसको और समझना चाहेंगे तो जैसे जानते हैं कांच के लिए अगर हम अपवर्तनांक निकालना चाहें तो इसका मतलब है आपको n/C/V में आपको इनके मान लगाने पड़ेंगे। आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल
3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और कांच में प्रकाश की चाल भी हमें ज्ञात है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप देखेंगे 10^8 आपस में कट जाएंगे, 2 से जब 3 को आप भाग देंगे तो आता है 1.5 यानी कि 1.5 आता है। तो इसका मतलब है कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या है, उससे हम भाव क्या निकालते हैं, उससे हमें पता क्या चलता है। तो हम देखते हैं n=c/v यानी जब हमने इनके मान ज्ञात किए, ये आपस में कट गया तो हमें दिखाई दिया कि 2 से डेढ़ गुना है 3। इसका मतलब आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल थी 3×10⁸, जब वो कांच में प्रवेश कर गई तो उसकी चाल घट गई और कितनी हो गई 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस अनुपात से आप ज्ञात कर सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से कितनी कम हो गई, 1.5 गुनी कम हो गई। तो एक तात्पर्य इसका यह है कि जब प्रकाश किरण निर्वात या वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में 1.5 गुना कमी आ जाती है। ठीक है ना, ये हुआ मतलब इसका। और दूसरा तात्पर्य यह है कि आपसे पूछा जाए कांच का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या, सॉरी 1.5 है, इसका क्या तात्पर्य है, तो आप क्या कहेंगे, इसका तात्पर्य है निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.5 है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.5 गुनी कम होती है। ये दोनों बातें इसमें लिखी जाएगी। जैसे एनसीईआरटी में प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? सिंपल सी बात है, n=2.42 आप कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। दूसरे शब्दों में कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है, इसका मतलब है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना कम हो गई है। यानी दो बातें हो गई कि निर्वात में और हीरे में प्रकाश की चालों का अनुपात 2.42 है और दूसरी बात हो गई कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना कम हो जाती है। समझ गए ना बच्चों क्या मतलब है इसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक का। और अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के संबंध की हम बात करें तो एक संबंध का सूत्र निकल के आता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये सापेक्ष अपवर्तनांक है और ये दोनों माध्यमों के, मान लीजिए इस माध्यम का जो पहला माध्यम है इसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरा माध्यम है इसका अपवर्तनांक n2 है। अपवर्तनांक का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 है, इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है। तो ये जो हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, इसे आप बोलेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। आप जानते हैं ये अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप न्यूमेरिकल में अगर कभी कभी आपको ये चीज यूज करनी पड़ जाए तो एक कंडीशन आप समझ लीजिए, जैसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है आपको, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल मतलब वॉटर, कांच मतलब ग्लास, तो W फॉर वॉटर, G फॉर ग्लास। WnG लिखने का मतलब है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जिसका अपवर्तनांक होता है वो बाद में लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष होता है वो पहले लिखा जाता है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए ध्यान देना, WnG का मतलब है प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी दूसरे माध्यम कौन सा हुआ, कांच। तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर और पहला वाला जो माध्यम है जल उसका अपवर्तनांक नीचे, ये बन जाता है। और ध्यान देना ये हमारे क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और अगर आप चाहें तो
तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, ध्यान रखिएगा ये वायु के सापेक्ष कांच का वर्तमान है, ये वायु के सापेक्ष जल का वर्तमान है, तो आप यहाँ पर ए भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या है ये दोनों के दोनों निरपेक्ष अपवर्तनांक है और निरपेक्ष अपवर्तनांक आप जानते हैं ये वायु के सापेक्ष ही होता है, इसमें पहला माध्यम वायु होता है। W n g equal to a n g upon a n w, इस वाले सूत्र को लगा करके एक एक दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं कुछ माध्यमों के जो आपको याद होने चाहिए, जैसे निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003 होता है जो कि सबसे कम होता है, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू। जल के लिए जो अपवर्तनांक है निरपेक्ष अपवर्तनांक वो 1.33 है, केरोसिन के लिए यानी मिट्टी के तेल के लिए 1.44 है, तारपीन के तेल के लिए 1.47 है, कांच के लिए 1.50 है, हीरे के लिए 2.42 है, यानी कि हर माध्यम का अपना अपना एक अपवर्तनांक होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी भी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके चाल में कमी आ जाती है, निश्चित तौर पे वहां पे अपवर्तन देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि ये जो n बराबर c अपॉन v वाला फार्मूला है, आप जानते हैं c यहां पर नियत है, यानी प्रकाश की चाल पे हम कोई नियंत्रण नहीं है हमारा कोई भी, यानी n बराबर c अपॉन v से स्पष्ट है कि अगर ये नियत है हमारा c, तो n और v ये ऊपर है ये नीचे है, इनमें संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का, रेसिप्रोकल है ये, व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनमें एक चीज का मान ज्यादा होगा तो उसके सापेक्ष उसके संगत दूसरी राशि का मान कम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है तो निश्चित तौर पे चूंकि v इसके व्युत्क्रम है, v का मतलब है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। अगर n का मान बहुत ज्यादा है तो इसके संगत उस माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं जिस माध्यम का जो अपवर्तनांक है जितना ज्यादा होता है वो माध्यम उतना ही सघन माध्यम कहलाता है, और आप जानते हैं जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। या बात करें जिसका n का मान जितना कम होगा, आप ध्यान रखिए जिसका अपवर्तनांक जितना कम है उस माध्यम को वो माध्यम उतना ही विरल माध्यम होता है, और आप जानते हैं विरल माध्यम होता है तो जितना माध्यम विरल होगा यानी जितना अपवर्तनांक कम से कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक से अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि अगर दो माध्यमों के अपवर्तनांक हमको दे रखे हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं बिना प्रकाश किरणों को देखे, बिना प्रकाश किरणों को देखे हम ज्ञात कर सकते हैं अगर दो माध्यमों के अपवर्तनांक हमको दे रखे हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। और अगर आप लोगों से प्रकाश किरण खींचने के लिए कहा जाए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण जाएगी अपवर्तन किस प्रकार होगा, तो आप अपने अपवर्तन के जो नियम आपको बताए हैं हमने कि अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी, आप वो खींचकर कायदे से दिखा सकते हैं। अब चूंकि सभी माध्यमों में जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो माध्यम है उन सभी में हमें अपवर्तनांक मालूम है, जब n सबके मालूम है तो आप तुलना तो कर सकते हो कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम होगी किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो आप जानते हैं जिसका n सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि निर्वात के लिए जो अपवर्तनांक है, निर्वात के लिए माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो 1.003 सबसे कम है, इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें हीरे के लिए n का मान सबसे ज्यादा है 2.42 है, तो हम कह सकते हैं कि हीरे के अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम उसमें प्रकाश की चाल, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम यानी n सबसे कम यानी वो सबसे विरल माध्यम हो जाएगा, वो
तो उसमें प्रकाश की चाल भी सबसे ज्यादा, और जिसका n सबसे ज्यादा यानी वो बहुत सघन जैसे हीरा, उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि संबंध कौन सा है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब जैसे साथियों आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है और इस जैसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं आपसे, इनमें से कोई तीन चार माध्यम दे देंगे आपको, उनके अवर्तनांक आपको दे रखे होंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इनमें किस माध्यम में प्रकाश चाल सबसे ज्यादा है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम है। तो अगर आपको मालूम है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, तो इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि इसका तरीका होता है, अगर आपसे घटते क्रम में पूछ लिया जाए, अगर आपसे घटते क्रम में पूछ लिया जाए या बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाए प्रकाश की चालों को, इन माध्यमों को प्रकाश की चाल के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपसे कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा जिसका आप इन सभी दिए गए माध्यमों को उनके अपवर्तनांक के घटते क्रम में लगा दीजिए, ध्यान रखना वो उनकी प्रकाश के चाल का बढ़ते क्रम में वो माध्यम अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात भी स्पष्ट हो गई। तो साथियों एक पिछले वीडियो में आपको एक जब अपवर्तन के बारे में टॉपिक करा रहे थे तो आपको ध्यान होगा ये एक प्रिज्म लिया था हमने, कांच का प्रिज्म, इस कांच के प्रिज्म पर हमने एक वर्णी प्रकाश यहां पर गुजारी थी, एक वर्णी प्रकाश गुजारी थी, तब आपसे कहा था कि यहां पर आप अभिलंब खींचेंगे, यहां पर इसका अपवर्तन हो जाएगा, इसके बाद यहां पर आप अभिलंब खींचेंगे फिर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस प्रकार से प्रिज्म के अंदर प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा वहां पे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश वो प्रकाश होता है जिसमें केवल एक ही रंग की प्रकाश किरण, एक ही तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण पाई जाती है, वो एक वर्णी प्रकाश कहलाता है। जैसे हमारा ये सूर्य का जो प्रकाश है इसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं, ये सात रंगों की तरंग दैर्ध्यों वाले प्रकाश से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब है सात रंगों का प्रकाश इसके अंदर मिला हुआ है, उससे मिलकर बनता है श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो साथियों इसके बारे में आपको एक बात भी ध्यान रखनी होगी कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकाश की रंगों के लिए अलग अलग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में तब आपको ये टॉपिक बहुत काम आएगा। आइए इसको समझ लेते हैं कि ये जो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणों के लिए अलग अलग होता है। ध्यान रख लीजिए जैसे कि श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश के अंदर वी आई बी जी वाई या इसको ऐसे लिख लें वी आई बी जी वाई ओ आर, आप जानते हैं V फॉर वायलेट यानी बैंगनी और R फॉर रेड यानी कि लाल। आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के लिए कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग की प्रकाश किरण के लिए कांच के जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। साथियों इसकी वजह यह होती है कि जब श्वेत प्रकाश को जब हम इस प्रिज्म पर गिराते हैं तो चूंकि सातों रंगों के लिए, सातों रंगों की प्रकाश किरणों के लिए, क्यों, क्योंकि श्वेत प्रकाश के अंदर सात रंगों की प्रकाश किरण है, जब ये इस पर गिरेगा तो सातों रंगों की प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। इसका असर क्या होगा, इसका असर यह होगा कि जहां पर पहले प्रकाश किरण एक ही रूप में जा रही थी, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे आ गई, अब क्या होगा क्योंकि सातों रंग से मिलकर ये बनी हुई है, अब सातों रंगों का जो विचलन है, जो अपवर्तन है वो अलग अलग होगा। जैसे अभी सीधी तो नहीं जाएगी मालूम है, क्यों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, लेकिन इनका होगा विचलन, एक दो तीन चार पांच छह हो गई और सातवां। ये श्वेत प्रकाश में एक अकेली आ रही थी, जैसे ही कांच के अंदर गई ये सात रंगों में बट गई, क्यों बटी, क्योंकि इन सातों रंगों के लिए
इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग था, और आप जानते हैं जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा जिस रंग के लिए उसका विचलन भी सबसे ज्यादा होगा, और जिस रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका विचलन भी सबसे कम होगा। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे नीचे होती है वायलेट और सबसे ऊपर होता है रेड, यानी कि सबसे ज्यादा विचलन जो हुआ है, यहां तक सब साथ साथ थी लेकिन यहां कांच के अंदर जैसे गए तो सबसे ज्यादा कौन सी किरण झुकी? बैंगनी रंग की प्रकाश किरण। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम कौन सी प्रकाश किरण का विचलन हुआ? लाल रंग की। क्यों? क्योंकि लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए कांच के अंदर जाने पर लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे यहां से सबसे कम विचलित होगी। समझ गए ना? वेरी गुड। तो साथियों अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित उदाहरणों की। प्रकाश के अपवर्तन पर हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे नंबर एक है पानी में रखा हुआ सिक्का। आप देखें अगर पानी में कोई सिक्का आप किसी आप बाल्टी में या किसी भी जग में या गिलास में आप पानी में भर करके उसमें एक सिक्का डाल के देखें तो आपको सिक्का जो है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, या कहें आपने ध्यान दिया होगा गिलास की जो तली होती है आप अगर पानी भर दें गिलास के अंदर तो गिलास की तली भी उठी हुई दिखाई देती है और जो सिक्का रखा है वो सिक्का भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। टैंक की तली, अभी एग्जांपल दिया मैंने गिलास का, ऐसे ही अगर टैंक में पानी भरा हुआ है तो टैंक की तली भी आपको थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। नदी या तालाब का तल, जो नदी या तालाब में पानी भरा हुआ है जो पानी बह रहा है उसमें जो नीचे जमीन जो रेत दिखाई देती है वो भी अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उठी हुई दिखाई देती है। या आपने देखा होगा जो पानी के अंदर मछलियां होती हैं वो मछलियां भी वास्तव में जितनी गहराई पे होती हैं उससे हमें थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि अगर मछुआरे जो बंसी डालेंगे मछली को पकड़ने के लिए तो वो जिस स्थिति पे मछली दिखाई दे रही है उससे थोड़ा सा नीचे से डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो मछली की स्थिति हमें पानी में दिखाई देती है वास्तव में वो मछलियां उससे थोड़ी गहराई पर स्थित होती है, यानी ये सारी कंडीशन जो है पानी में चाहे कोई तल हो चाहे पानी के अंदर कोई वस्तु हो वो हमें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसको एक ऐसा क्यों होता है? इसको एक आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको मालूम है ये पानी पात्र के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है या कह लीजिए पानी भरा हुआ है। आप जानते हैं बाहर वायु है और भीतर जल है। अब अगर हम जल की पेंदे की बात करें, जल की पेंदी जो पेंदा है या कह लो ये नदी है, ये नदी का तल है, या कह लो ये मछली है, ये पानी है और ये इस गहराई पे मछली पाई जाती है, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहां से जब ये दो प्रकाश किरणें गई ये जाएगी इस पृथककारी तल के लंबवत तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए, और यहां से दूसरी प्रकाश किरण जाएगी सघन माध्यम से वृल माध्यम में तो ये अभिलंब खींच लिया हमने, तो ये जो प्रकाश किरण है वो सघन से जब रेल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी यानी इधर हट गई। इस किरण को जब पीछे बढ़ाते हैं तो हमें ये वाली किरण और ये वाली किरण इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये होता है इस बिंदु का ये है प्रतिबिंब, इसलिए हम कह सकते हैं जो तली है ये हमें यहाँ जब हम बाहर से हम देखते हैं बाहर से देखेंगे तो तली हमें यहां दिखाई ना दे करके हमें ये तली यहां पर दिखाई देती। इसका मतलब है बाहर से हम देखेंगे तो हमें ये वाली गहराई दिखाई देती है, और जबकि वास्तविक गहराई क्या है? वास्तविक गहराई ये है, और बाहर से आप देखेंगे तो आपको ये वाली तली दिखाई देती है, या फिर अगर मछली यहाँ पे है तो मछली आपको यहाँ पर दिखाई देती है। पानी में सिक्का आपने यहाँ रखा हुआ है, पानी भरने के बाद अगर आप देखेंगे तो सिक्का वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सभी चीजों का एक ही कारण है, ठीक है। हाँ अगर इसको आप सूत्र कुछ सवाल बन जाते हैं इस पे तो सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। ये जो आपकी जो गहराई है जो आपको बाहर से दिखाई देती है जो आभासी स्थिति है ये जो गहराई हमारी इसे कहते हैं आभासी गहराई,
और वास्तव में जितनी गहराई पर वो स्थित है उसे कहते हैं वास्तविक गहराई। यानी ये वास्तविक गहराई नदी की कुल चौड़ाई, नदी की कुल गहराई हो सकती है, जितने गहरा पानी है, या किसी भी पात्र में पानी भरा हुआ है उस पानी की ऊंचाई हो सकती है जो उसकी वास्तविक गहराई है। तो बेटे आप जानते हैं यहां पर ये जल है, यहां वायु है, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, हो सकता है पानी के स्थान पर कोई द्रव भर लिया जाए, तो फिलहाल सूत्र आप देख लीजिए, एक वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक का सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। सूत्र याद रख लीजिए, हाईस्कूल लेवल पर थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते बोर्ड पेपर में कि क्या क्वेश्चन आ जाए, इसलिए अपने आप को थोड़ा माइंड मेकअप करके रहिए कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। साथियों सूत्र है, अब आप चाहें इसमें एक दो कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाते हैं, कह देंगे कि एक पात्र है जिसके अंदर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जल भरा हुआ है, अगर उस जल का अपवर्तनांक 4/3 है, बताइए उसकी आभासी गहराई क्या होगी। यानी कि आपको एम दे दिया अपवर्तनांक, आपको वास्तविक गहराई वो दे दिया, और आपसे यानी कि आपको एम दे दिया 4/3 वास्तविक गहराई आपको दे दी 15 सेंटीमीटर और आपसे आभासी गहराई पूछ ली गई, तो उसको आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर निकल आएगा कि उसकी आभासी गहराई क्या होगी। आभासी गहराई को मैंने यहाँ पे x से प्रदर्शित कर लिया है, x यहाँ ले जाइए, 4/3 पहुंच जाएगा, 3 गुणा पहुंच जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या एक न्यूमेरिकल और बन जाता है कि एक पात्र के अंदर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर गहराई पर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कोई सिक्का अगर 11.28 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, गहराई कितनी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन तली में जो सिक्का रखा हुआ है वो 11.28 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, यानी 11.28 सेंटीमीटर ये हो गया, तो आपसे पूछ लेंगे कि उस जल का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी आपको ये पूछा है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है और ये दे रखा है आपका 11.28 सेंटीमीटर, बस आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, भाग दे देना है, और भाग देने के बाद में उस द्रव का अपवर्तनांक पता निकल आएगा। तो इस तरह से कभी कभी हल्के हल्के न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, हो सकता है भाषा में थोड़ा चेंज कर दे, आपसे पूछ ले कि नदी की जो गहराई है वो इतने मीटर है, तली पे एक मछली दिखाई दे रही है, बताइए मछली कितनी गहराई पर हमको प्रतीत होगी दिखाई देगी। तो सारी कंडीशंस के अंदर अपवर्तनांक का यही सूत्र लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो दूसरा उदाहरण हमारा आता है प्रकाश के अपवर्तन का, वो आता है पेंसिल या छड़, जब कभी कोई पानी में डुबो दी जाए वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा कोई पात्र के अंदर पानी भरा हुआ है, ये हमने छड़ इसके अंदर डुबो दी है, तो वास्तव में तो ये छड़ है जो डूबी हुई है, लेकिन अगर हम यहां से देखते हैं बाहर से, अगर हम बाहर से देखेंगे प्रकाश किरणों को, तो ये प्रकाश किरणें हमें इस बिंदु से आते ही प्रतीत होंगी, तो हमें क्या होगा, ये वाली पेंसिल या छड़ हमें ये दिखाई देती है, ये दिखाई नहीं देती हमें, हमें दिखाई देती है ये मुड़ी हुई, समझ गया ना। तो ये बड़ा ही आसान है इसको समझना, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल ये डूबी हुई है, इससे दो प्रकाश किरणें जो है चलती है निचले सिरे से, तो ये सघन माध्यम से वृल माध्यम में जब प्रकाश किरण जाएगी तो ये अगर आप यहाँ पर अभिलंब खींच लेंगे तो दोनों प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटेगी, और जब इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहां से इसको डॉट डॉट मिला दीजिए तो ये हमारी टेढ़ी पेंसिल जो है, यानी यहां से देखिए यहां तक टेढ़ी पेंसिल हमें दिख जाएगी। अगर एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको, तो नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि जब पेंसिल या छड़ को पानी के अंदर डुबोया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पेंसिल होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उठी हुई स्थिति में दिखाई देती है, जिस कारण से पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, और साथ में चित्र बना देना, हो जाएगा आपका इसका जवाब। और साथ ही उसको दो बड़े अच्छे अच्छे एक है दैनिक जीवन के एग्जाम्पल जो देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, वह है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। और दूसरा है सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक भी हमको दिखाई देता है। इसका अगर हम समझे इसको, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है,
तो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमें उसका प्रतिबिंब दिख जाता है, यानी वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले दिख जाता है, और जब शाम को वास्तव में छिप जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी हम वास्तविक शब्दों में कहें 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम जो सूर्य है वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, हम कहें उसका प्रतिबिंब हमको दिख जाता है और हमें दिन में 4 मिनट की वृद्धि देखने को मिलती है। तो साथियों, ये हमारे थे प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित उदाहरण। तो साथियों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि जब कभी कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, आप जानते हैं ये प्रकाश कण है आपतित किरण और यह है अपवर्तित प्रकाश किरण, इसका अपवर्तन हो जाता है। अगर यहां पर मार्ग में कोई दर्पण रख दिया जाए तो ये इसके लंबवत कोई दर्पण रख दिया जाए तो ये प्रकाश कण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, यानी जिस रास्ते में आई थी उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। ध्यान रखिएगा, पहले जब ये आई थी तो ये वाला कोण आपतन कोण था और ये वाला कोण अपवर्तन कोण था। क्लियर है ना बच्चों? और अगर यहाँ पे दर्पण रख दिया जाए कि वापस अपने ही मार्ग का अनुसरण कर लेती है, यानी वापस अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। जब वापसी में जब ये प्रकाश कण लौट के जाएगी दर्पण से तो ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। यानी सेकंड स्थिति में आपतन कोण आपका आर हो जाएगा और अपवर्तन कोण आपका एंगल आई हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेष कांच का अपवर्तनांक एएनजी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल के नियम से लगा दिया आपने। इसके बाद अगर प्रकाश की उत्क्रमणीयता देखने को मिलती है तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण था वो हो जाएगा आपका आपतन कोण, और जो अपवर्तन कोण था ये हो जाएगा आपका आपतन कोण था वो हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। यानी अगर आप प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। ध्यान रखिए सेकंड स्थिति में जो आपतन कोण आर हो गया है और अपवर्तन कोण आई के बराबर है। समीकरण 2 हो गई, सब दोनों की आप गुणा कर दीजिए, ये आपस में साइन आर साइन कट जाएंगे, साइन आई कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1, तो ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1, यानी ए एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए, यानी ये सूत्र निकल के आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अगर आप चीज सिद्ध करने के लिए भी आ जाए कि वायु के सापेक्ष सिद्ध कीजिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, तो इसी प्रकार से हमको ये सिद्ध करना होगा। ध्यान रखिए कभी कभी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जैसे आपको दे रखा होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आसानी से आप उसको मैनेज कर लेंगे, बहुत सिंपल सूत्र है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी आप इसको एक व्यापक रूप से 1n2 = 1/2n1 भी लिख सकते हैं। यहां पर पहला माध्यम अगर वायु हो जाए तो ए लिख देंगे वन की जगह पे, दूसरा माध्यम अगर कांच है तो इसके स्थान पर आप जी लिख देंगे। ठीक है ना, वेरी गुड। साथियों, एक जो है जाते जाते एक टॉपिक और देखते हैं कि अगर प्रकाश किरण कोई चलती है और जाते जाते ये कई सारे माध्यमों से होकर गुजरती है, जैसे आपको दिख रहा है कि प्रकाश किरण पहले वायु से होकर के जल में प्रवेश करती है, फिर जल से होकर के कांच में प्रवेश करती है, फिर कांच में होकर के वायु में प्रवेश करती है, और प्रत्येक माध्यम में इनका अपवर्तन देखने को मिलता है। तो साथियों, इसको पूरा एक डेरिवेशन फॉर्म में ना करते हुए अगर हम इसको शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से अगर आपका कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको एक सर्किल के रूप में डिफाइन कर दिया है,
कि प्रकाश किरण पहले वायु से जा रही है जल में और जल से जा रही है कांच में। तो हमने एक दो तीन करके लिख लिया यहां पर, या फिर इसको आपने वायु ले लिया ये नंबर एक, इसको ये जल है तो वाटर हो गया, ये कांच है मतलब जीव हो गया। ध्यान रखिएगा प्रकाश किरण पहले वायु से जल में, फिर जल से कांच में, फिर कांच से वायु में जा रही है, यानी ए से डब्ल्यू में, तो अवतरण हो जाएगा ए एन डब्ल्यू, देख लीजिए। फिर जल से कांच में, यानी डब्ल्यू से जी में जा रही है, यानी जो डब्ल्यू एन जी हो जाएगा इसका अवतरण, इसके सापेक्ष इसका अवतरण। इसके बाद प्रकाश किरण कांच से जा रही है वायु में, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अवतरण, कांच के सापेक्ष वायु का अवतरण। इन सभी अवतरणों का गुणनफल वन होता है, ध्यान रखिएगा। यानी ए एन डब्ल्यू, ए से डब्ल्यू जा रही है ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू जी में जा रही है डब्ल्यू एन जी, और जी से ए में आ रही है तो जी एन ए, इन तीनों का गुणनफल एक होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ए एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन जी, आप जानते हैं जी एन के स्थान पे आप लोग वन अपॉन ए एन जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी अभी देखा आपने उत्क्रम रेखा वाले संदेश में, तो आप देख लीजिए ये गुणांक बटे में इधर पहुंच जाएगा और इस वाले पद नीचे लिख दिया, तो हमें ये सूत्र प्राप्त होता है, जल के सापेक्ष कांच का अवतरण बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ध्यान होगा आपको वो सूत्र हम पहले भी एक बार आपको बता चुके हैं, जब सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध का सूत्र बताया था, 1 n2 बराबर n2 अपॉन n1, और एग्जाम्पल देके आपको बताया था कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डब्ल्यू एन जी इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू होता है, एग्जाम्पल देके बताया था। तो इस वाले सूत्र से भी दीजिए हमें वही प्राप्त कर लिया, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या हो गया ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू एन जी का मतलब है प्रकाश किरण जल से कांच में आ रही है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक है ना, तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर और जल का अपवर्तनांक नीचे, और निश्चित तौर पे निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो वायु के सापेक्ष होगा, तो ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू होता है जल के सापेक्ष कांच का। ठीक है बच्चों, तो ये कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन दे रखे होते हैं इस पर, तो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो छूटने ना पाए। साथियों अब रही बात इस पे आधारित न्यूमेरिकल की, तो वो अब जब अगली वीडियो जब बनेगी न्यूमेरिकल की तो मैं इस पर बात करूंगा, एक एक सूत्र पर बात करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे वो हाजिर होंगे न्यूमेरिकल्स को लेकर के, और न्यूमेरिकल से पहले हम लोग बात करेंगे लेंसों के बारे में, मुझे लगता है कि लेंसों के न्यूमेरिकल और इनके न्यूमेरिकल साथ साथ चल लेके चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल जरा से ही है, जो लेंस के न्यूमेरिकल है वो थोड़े से ज़्यादा लेके चलेंगे। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम बात करेंगे लेंसों के द्वारा होने वाला अपवर्तन, ठीक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।